जनपद शामली में कैराना के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नारी सशक्तिकरण का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जनपद शामली में कैराना क्षेत्र के रामड़ा रोड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आज सीओ कैराना राजेश कुमार तिवारी व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भगवत सिंह ने लड़कियों को अपनी रक्षा करने के तरीके सिखाए और बच्चों से कहा कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो 1091 पर कॉल करें। सीओ कैराना ने बच्चियों से कहा कि वो किसी से ना डरे, अगर उन्हें कोई छेड़ता है परेशान करता तो वो डायल 100 या 1091 पर कॉल करे और अगर उनके पास फोन नहीं है तो शोर मचा दे जिससे आसपास के लोग शोर सुनकर उनकी मदद के लिए आ जाएं और फिर वो 1091 या डायल 100 कॉल कर इसकी चेतावनी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को दे। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भगत सिंह ने लड़कियों से बैग में लाल मिर्च पाउडर रखने को भी कहा कि कभी उन पर कोई खतरा हो तो लाल मिर्च बदमाशों के ऊपर डालकर वहां से निकल जाए। आज आपके सामने जो मैं बैठी हुई है ये पढ़ी है, पढ़ने के बाद ही आपके सामने बैठी है और आप लोगों को आपके माँ बाप ने यहाँ भेजा है। सोचो कि अपनी छाती पर कितना बड़ा पत्थर रख के भेजा हुआ उन्होंने सिर्फ इसलिए पढ़ने के लिए। आप सब बड़े भाग्यशाली हो कि आपके माँ बाप ने यहाँ पढ़ने के लिए आप लोगों को भेजा है। माँ बाप को अपनी लड़कियों की हमेशा चिंता लगी रहेगी, जैसे ही वो घर से कदम बाहर रखती है और जब तक लड़की घर नहीं पहुंच जाती है तब तक उन्हें हमेशा चिंता रहती है कि मेरी लड़की कैसी होगी, कहाँ होगी, आ रही होगी, जा रही होगी। और यहाँ उन्होंने आपको रख रखा है तब भी उन्हें चिंता रहती है कि लड़की मेरी वहां है, कभी कोई बात ना हो जाए। तो आप लोगों को अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है और साकार तभी होंगे जब आप लोग बड़े अच्छे मन से और जुनून के साथ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। जो भी काम करो पढ़ाई करो बहुत जुनून के साथ पढ़ाई करो, खेलो तो वो भी बहुत जुनून के साथ खेलो। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई से सारा कुछ हो जाए, खेलोगे तभी विकास भी होगा, मस्तिष्क विकास तभी होता है, आपकी ग्रंथियां चलती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपके माँ बाप ने सिर्फ इसलिए भेजा कि मेरी लड़की पढ़े और पढ़ के आगे बढ़े, ऐसा ना हो कि किसी के भरोसे बैठे रहे। आज आपकी मैम्स हैं जो भी ये पढ़ी है, पढ़ने के बाद ही आज यहाँ बैठे हैं, तो इनके माँ बाप को भी अपने ऊपर फक्र रहा कि हमारी लड़की अपना एडजस्ट है। जनपद शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट।